इसी तरह इसका जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमने बताया गया है अगर वैलेंसी सेम हो, दोनों की वैलेंसी सेम हो, अगर यहाँ पे टू इसकी भी टू होती, कैल्शियम की भी टू होती और क्लोरीन, एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर इनकी टू होती तो हम यहाँ पे कोई भी वैलेंसी नहीं लिखते, ठीक है। इसी तरह NaCl की दोनों में वन वन होती है, वन तो हम लिखते ही नहीं है, फिर इनकी ये हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैल्शियम ऑक्साइड की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव टू होता है और ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव टू होता है, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी दोनों की सेम वैलेंसी आ गई तो हम इसकी वैलेंसी को ऑफसेट कर देंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, तो इसको हम हमेशा CaO की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कभी भी इसके यहाँ पे टू या यहाँ पे टू नहीं लिखते क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम थी तो ऑफसेट हो गई, ख़त्म कर दिया हमने उसको और ये CaO हो जाएगा। लेकिन अगर वैलेंसी डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे इसकी एक की वन है और एक की टू है, तो हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, जिसकी चेंज होगी उसकी दूसरे वाले के लोअर राइट कॉर्नर पे लिखेंगे, क्योंकि इसकी वन थी तो वन तो लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर टू थी तो टू लिखनी थी, तो पॉजिटिव टू था तो नेगेटिव वाले के लोअर राइट कॉर्नर पे हमने इसको लिख दिया। ये इसका फोर्थ पॉइंट था कि अगर वैलेंसी सेम हो दोनों की, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड में दोनों की टू टू थी तो उसको ऑफसेट कर दिया जाता है, मतलब उसको नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर वैलेंसी डिफरेंट हो तो उसको ज़रूर लिखा जाता है। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई भी आयन है, वो कम्बिनेशन है टू और मोर आयंस का, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव आयन था, लेकिन ये तो एक ही एलिमेंट से मिलके बना था, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी आयन हो जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स का कम्बिनेशन हो, जैसे कि हमारे पास PO4 है, इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, एक ही चार्ज है -3, सेम नहीं है, एक ही चार्ज है। अब ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सल्फेट, इसको फॉस्फेट कहते हैं, जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं उसको फॉस्फेट बोलते हैं, और जो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं उसको सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। अब हमने जब सल्फेट आयन के ऊपर देखा, अब ये दो एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है तो एक ही आयन, लेकिन दो एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है, दो एटम्स का कम्बिनेशन है। जब हमने इसके ऊपर टोटल नेट चार्ज देखा तो इसके ऊपर -2 था और इसके ऊपर -3 था। अगर हम सल्फेट का देखें तो ये एलुमिनियम सल्फेट बनाता है, एक एलुमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है या जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास +3 होती है, ठीक है। +3 मल्टीप्लाई बाय 2 +6 हो गई है, और एक सल्फेट के ऊपर -2 थी, ठीक है। तो यहाँ पे -2 एक के ऊपर थी तो -2 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों की 6-6 वैलेंसी हो गई है हमारे पास, मीन दोनों का नेट चार्ज 0 हो गया। अगर हम इसी तरह कैल्शियम फॉस